दोस्त मेरे इंतजार कर रहे थे, लो तुम्हारे लिए लेके आ गया हूँ NLIU भोपाल के ऊपर वीडियो। तो चलो इसको तुरंत के तुरंत हर जगह शेयर कर दो और हम लोग इसको देखने की तैयारी कर लेते हैं। भाई मेरे, हम लोग आज समझेंगे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल के बारे में। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल को हम लोग इतना डिटेल में समझेंगे, हर वो चीज जानेंगे, हॉस्टल से लेके, फीस से लेके, मेस से लेके, हम लोग इसका प्लेसमेंट भी समझ रहे होंगे। क्या इस जगह जाना बिल्कुल वर्थ इट है तुम्हारे लिए या नहीं है, क्या ये तुम्हारा ड्रीम कॉलेज हो सकता है या नहीं हो सकता है, अगर इन सारे क्वेश्चंस का आंसर तुम चाहते हो दोस्त, तो वीडियो को देखना है एंड तक और इस वीडियो को कर देना है अपने दोस्तों तक शेयर। और चलो अब कॉलेज को घूम कर आते हैं। कैसी लगी कॉलेज की दुनिया यार? तुम लोगों को आई थिंक मजा आ गया होगा, उससे ज्यादा एंजॉयमेंट तुमको मिलेगा कब, जब तुम लोग कॉलेज के बारे में डिटेल में जान लोगे। हम लोग इस कॉलेज को इतने अच्छे से समझेंगे जितना शायद कहीं यूट्यूब पे तुम नहीं देख पा रहे होगे। चलो टाइम को वेस्ट कम करते हैं और हम लोग आगे बढ़ने की शुरुआत करते हैं। दोस्त इंट्रोडक्शन में बात करूं तो NLIU भोपाल 1997 में हमारा एस्टेब्लिश हो रखा है। बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूट है, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है लॉ करने के लिए इंडिया के अंदर। 5th या 4th, 6th नंबर पे आप अपने इस कॉलेज को रख सकते हैं। आप अच्छे रैंक पे हैं तो ही यहाँ प्रवेश कर सकते हैं दोस्त। 1997 में ये अपना एस्टेब्लिश हो रहा है। उसके बाद एक बात याद रखिए, वही मैं जो कहूँगा, बहुत सारे साल हो चुके हैं यार, तो कॉलेज को डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारे साल मिल चुके हैं। तो दैट इज वाई इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ दिस कंट्री। चलिए हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, इसको एक्ट के थ्रू लाया गया था, आगे की बात जानने की कोशिश करते हैं इस कॉलेज के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं लोकेशन को। लोकेशन यार भोपाल में ये लाई कर रहा होता है, बस स्टैंड से 30 मिनट की दूरी है हमारे कॉलेज की। बढ़िया है यार, बहुत बहुत सही लोकेशन है, ज़्यादा दूर नहीं होता। रेलवे स्टेशन 20 से 25 मिनट की दूरी पा रहे होते हैं आप कैब से जाएंगे तो। ऑल तो कहते हैं थोड़ा आउटर में पड़ रहा है, बट हाँ ये ज्यादा दिक्कत नहीं है, इतना एरिया इतना डिस्टेंस आप कवर कर सकते हैं, दैट इज वैलिड वैलिड कंप्लीटली वैलिड। 15 से 20 मिनट की दूरी पे एयरपोर्ट है यार, क्या लोगे? कौन से कंट्री से आ रहे हो, कौन सी इंडिया के कोने से आ रहे हो, कहीं से भी आ जाओ आप NLIU पहुंच ही जाएंगे दोस्त। NLIU जी हाँ पहुंच ही जाएंगे। हैंग आउट के केवा डैम आप जा सकते हैं, म्यूजियम्स है वहां पे आप जा सकते हैं, भोपाल सिटी के अंदर लेक की कमी नहीं है, आप वहां पे जाके अलग अलग तरह की चीजें घूम सकते हैं, तो उस चीज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी दोस्त, ठीक है। कोर्सेज प्रोवाइडेड हम लोग देख रहे थे, BA LLB करना है यार, BA LLB ही करने हम जा रहे हैं यहाँ पे। हमको BBA LLB नहीं मिल रहा होगा, BSc LLB नहीं मिल रहा होगा, और तरह के LLB नहीं मिल रहे होंगे। इसके ऊपर भी अगर तुम वीडियो चाहते हो कि भैया BA LLB लें, BBA LLB लें, BSc LLB लें, BCOM LLB लें, इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो मुझे चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल ट्राई टू ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्सेज प्रोवाइडेड में हम लोग देख रहे हैं BBA LLB LLM है और मास्टर्स इन साइबर लॉ होता है। यार देखो बताया गया मुझे कि मास्टर्स इन साइबर लॉ भी इनका काफी अच्छा हो रहा होता है, यहाँ से भी लगभग 100% प्लेसमेंट निकल रही होती है। तो दोज़ हू आर वॉचिंग वीडियो उस हिसाब से, तो उनको भी यहाँ पे देखना चाहिए क्योंकि NLIU के अंदर ये चीज काफी अच्छी हो रही है, ठीक है। चलिए जी फी डिटेल्स जान लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। डिसेंट सा फी स्ट्रक्चर है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, इतनी जगह जो कुछ ये प्रोवाइड कर रही है इंस्टीट्यूट उसके लिए एक वैलिड फी स्ट्रक्चर है। किसी भी चीज़ से आपको वंचित नहीं रखा जा रहा है और किसी भी चीज़ का आप पे एक्स्ट्रा खर्चा नहीं थोपा जा रहा है, तो कम्प्लीटली वैलिड 10/10 फी के मामले में कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं हो रहा है, आगे बढ़ सकते हैं इसमें। चलिए रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो रिजर्वेशन हम लोग देख पाएंगे, यार ये चीज नोट कर लो, 65 में से ऑल इंडिया सीट में से 26 सीटें रिजर्व है मध्य प्रदेश के स्टेट डोमिसाइल के लिए। तो लोग खुश हो जाएं, आप लोग MP वाले लोग जम के मेहनत करें,
NLIU में आपके चांस अच्छे बन रहे हैं, आपका रिजर्वेशन अच्छा खासा हो रखा है, तो प्लीज 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 वर्क हार्ड बिकॉज दिस इंस्टीट्यूट कैन चेंज योर लाइफ ब्रदर। यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा अच्छी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए इंतजार कर रही हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, ये सारे आप लोग कोटास देख लेंगे, हम लोग जिन जिनका जो जिस जिसमें आ रहा है, हम लोग इस चीज में स्क्रीनशॉट लेके अपना एक अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले रहे होंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स इवेंट कॉलेज के अंदर ठीक ठाक हो रहे होते हैं, अच्छा कल्चर हो रखा है। देखिए एनएलयू टीम में बाद में मैंने बात करी और जगह बात करी मैंने, तो हम लोग वहां पा रहे हैं कि स्पोर्ट्स कल्चर थोड़ा कम है, बट एनआईयू भोपाल के अंदर आप अच्छा खासा स्पोर्ट्स कल्चर पा रहे हैं। फुटबॉल का सीजन हो रहा है, आप बैडमिंटन लीग कर रहे हैं, आप क्रिकेट लीग कर रहे हैं, इंटर बैच में आपके बहुत सारे कॉम्पिटिशन हो रहे हैं। इसके अलावा मैं बताऊंगा नेशनल इवेंट होता है, बहुत शानदार उसके बारे में बता रहा हूँ, उसके लिए हम आगे बात कर रहे होंगे, तो वो सब चीजें हो रही होंगी। बहुत ही अच्छा फैकल्टी मैं कहूंगा अपने तौर पर, टॉप नॉच इंस्टीट्यूट है, बच्चे बता रहे हैं काफी अच्छी फैकल्टी हो रही होती है भोपाल के अंदर। लेकिन एक बात हम बता देते हैं, मिक्स में क्यों लिखता हूं, बिकॉज एवरीवन हैज सम इशू विद एनीवन और एवरीवन एट सम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसलिए कुछ लोगों कुछ चीजें कभी पसंद नहीं आते, तो वी आर राइटिंग दिस थिंग। तो बहुत बढ़िया है नहीं, बिकॉज कमेंट सेक्शन में गाली मत दो जाके, तो इसीलिए फैकल्टी अच्छी है दोस्त, ठीक है, ओवरऑल बहुत अच्छी फैकल्टी है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट कमिटीज में हम लोग देख रहे होते हैं बहुत ही एक्टिव कल्चर हो रखा है इस कमिटीज का यार। ठीक है, ऐसा समझ लो जितने भी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, ये टॉप पे इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ की कमिटीज बहुत अच्छे से इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही है, बिकॉज इन कमिटीज में हो रहे बच्चे बहुत डिसेंटली बहुत हार्ड वर्किंगली काम कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत अच्छा दे रहे हैं। चाहे वो मूड कोर्ट एसोसिएशन हो, तो यहाँ के लोग अच्छे खासे मूड कोर्ट में प्राइजेस जीत रहे हैं, चाहे वो एथेना कल्चर कमेटी हो जो कि MP04 जो इनका कल्चर फेस्ट है वो ऑर्गेनाइज कराती है, बहुत ही बड़ा फेस्ट होता है। एलुमनाई अफेयर्स सेल ये भी बहुत एक्टिव है, इनका एलुमनाई नेटवर्क भी अच्छा हो रखा है। दोस्त कोई भी चीज कमी नहीं हो, आपको यहाँ पे इन सब में जाना है, आपको बिजनेस और कमर्शियल लॉ में स्टडी करनी है, आपको नेशनल साइबर लॉ के लिए आई वुड से ना काफी अच्छा एनवायरमेंट हो रखा है अगर हम बात करें एनएलआईयू भोपाल के अंदर। तो एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड एनएलआईयू भोपाल में जाने के लिए, वो ये भी देखे कि क्या उसको एनएलआईयू भोपाल के अंदर इस चीज में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए चार चांद लग जाएगी, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। ठीक है, तो कीपिंग दैट पॉइंट इन माइंड वी कैन से कि स्टूडेंट कमिटीज के मामले में भी एनआईयू भोपाल बहुत अच्छी जगह पे उतर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, इवेंट एट एनआईयू भोपाल विरुद्ध का भाई इतना खतरनाक इवेंट होता है, सनत सूर्या से लेकर सुशील कुमार तक लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं और भयंकर भयंकर लेवल पे इवेंट हो रहा होता है। कॉलेज अलग अलग जगहों से स्टूडेंट्स आते हैं, अलग अलग एनआईयू से स्टूडेंट आते हैं, यहाँ पे हर तरह के आपके वो होते हैं, इवेंट्स हो रहे होते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन हो रहे होते हैं, प्राइजेस वहां पे हो रहे होते हैं, बड़े बड़े हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी आपको उन प्राइजेस में मिल रही होती है। समझ लीजिए नया सनत जयसूर्य जैसे लोग अगर आ रहे हैं तो कितना बड़ा लेवल है उस कॉम्पिटिशन का। ठीक है, चलिए हम लोग एनएलआईयू क्लाइंट काउंसलिंग की बात करेंगे, ये एक बहुत अच्छा इवेंट है। आईबीसी मूट एनएलआईयू का फेमस मूट है, ठीक है, एनएलआईयू नेगोशिएशन का भी अच्छा कल्चर हो रहा है। देखिए ये सब चीजें आप जो है ना क्लाइंट काउंसलिंग नेगोशिएशन ये सब चीजें आप नीचे के एनएलयूज में और कई जगहों पे तो प्राइवेट कॉलेज में पाओगे ही नहीं, अगर पता ही नहीं होगा ये होते क्या है, आपको बस नाम पते होंगे, आपको ये नहीं पता होगा हवा की हवा ही नहीं होगी। यहाँ पे प्रॉपर कंपटीशन प्रॉपर एनवायरमेंट हो रखा है, तो यू आर अवेयर ऑफ वेरी वेरी मच, यू आर लाइक हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू लॉट मेनी थिंग्स। जब चीजें कॉलेज में आपकी होंगी ही नहीं तो आप उनमें जाओगे कैसे, आप उनको करोगे कैसे, तो दैट इज नॉट देयर इन एनएलआईयू। एनएलआईयू में आपके पास वेरियस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो रही है दोस्त, तो बी अ पार्ट ऑफ एनएलआईयू इफ यू वॉन्ट to give these all competitions, if you want to be a part of such kind of culture. Justice R.K. Tankha International Arbitration Moot, flagship moot है ना, flagship moot क्यों लिखा, बहुत ही बड़े level पे बेटा समझिए, यहाँ पे international students भी participate कर रहे होते हैं, that kind of exposure you get in NLIU Bhopal, so that is the thing. MP04 में इसी बात कर रहा था, cultural event भाई भौकाल देख रहे हो यहाँ पे, क्या मजा आ रहा है दोस्तों को यार, ये stage सज रहा है, आपके लिए अच्छे खासे फंड्स ऑर्गेनाइज होते हैं और आप इंजॉय भी कर रहे होते हैं, पार्टीज हो रही होती हैं दोस्त, मस्ती हो रही होती है, हर वो तरह हर वो चीज जो आपको एक स्टूडेंट के तौर पर चाहिए, चाहे वो आपके इवेंट्स हो और चाहे आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो, एनएलआईयू भोपाल बहुत अच्छे स्तर पे हर जगह खड़ा हो रहा है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें और आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे फैसिलिटीज यार, हम लोगों की बेसिक फैसिलिटीज जो हम लोगों को चाहिए होती हैं वो हम लोगों को मिल रही होती हैं। देख सकते हैं कितनी शानदार बेसिक तो नाम है, क्या चीज आपको और चाहिए यार, आप और आप एक बात समझिए ना, आप क्लैट दे रहे हैं ना अभी बेटा, आप क्लैट देने के बाद अभी अपने कॉलेज में जाइए,
जो बच्चे टॉप इंस्टीट्यूट में हो और इस वीडियो को देख रहे हो, वो वापस से इसी वीडियो में आके कमेंट करना कि हाँ सर अब हमें मालूम पड़ रहा है कि आप जो कह रहे थे वो सच है। इतनी चीजें भी अवेलेबल नहीं होती नीचे के कॉलेजेस में और बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, वी हैव स्पेंट वन ईयर एट सीनेली जहाँ पे हमें ऑडिटोरियम ही नहीं था, और ऑडिटोरियम ड्यूरिंग इज इन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। कई जगहों पे तो प्लेस उनका कैंपस ही नहीं है दोस्त, रेंटेड कैंपस तो वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो सोचो यार, एनएलयू का नाम तो है नीचे कॉलेजेस में लेकिन वहां पे कैंपस नाम की चीज नहीं है। NMIMS को ले लो यार, अभी तुम्हारे लिए क्राइस्ट के बारे में भी बहुत सारी क्लासें करूंगा। तो इस सब को जानने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को दो सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज तुम्हारे लिए ये प्रीमियम इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिल रही यार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग और सारी फैसिलिटीज को देख रहे होते हैं हम लोग, है ना। लाइब्रेरी की तो यार बात ही कुछ नहीं है, लाइब्रेरी वन ऑफ द टॉप मोस्ट लाइब्रेरी है पूरे ऑल ओवर इंडिया की। ये देख रहे हो, ये फोटो देख पा रहे हो यार, ये लाइब्रेरी की ही तो फोटो है, जान है NLIU भोपाल की। और जिस इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरी बहुत शानदार होती है ना, उस इंस्टीट्यूट की आपको आप मान लीजिए लॉ स्कूल में लाइब्रेरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सही बता रहा हूँ, बच्चे आधे ज्यादा तो लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं आधे ज्यादा टाइम। तो दैट इज द थिंग, NLIU भोपाल हैज वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी अवेलेबल। सो दैट इज वन वेरी गुड थिंग विच आई फाउंड फॉर NLIU भोपाल। हॉस्टल डिटेल्स की बात कर लेते हैं यार, कर्फ्यू टाइमिंग भी देख लेंगे। दो हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, दो गर्ल्स के लिए, दो बॉयज के लिए। ओल्ड बॉयज और न्यू बॉयज के नाम होते हैं इनके, है ना, ओल्ड गर्ल्स और न्यू गर्ल्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड ईयर तक जो है ना सिंगल सीटर का आपका, सॉरी सिंगल सीटर नहीं, डबल सीटर का अरेंजमेंट होता है। उसके बाद थर्ड ईयर में जब आप जाते हो तो आपको सिंगल रूम मिल जाता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और कर्फ्यू टाइमिंग आई थिंक नॉट मेंशन, है ना। या तो प्लेसमेंट डिटेल्स की अगर हम बात करें तो 17.5 लाख का हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज, ऐसा मुझे खबर लगी। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है तो वो चीज़ रिजिड नहीं है बिकॉज ऑफिशियल डेटा आई थिंक रिलीज नहीं होते हैं, बट दिस इज दीज आर द इन्फॉर्मेशन विच आई गेट फ्रॉम द स्टूडेंट स्टडिंग देयर। सो दैट इज दिस ये आपका लोएस्ट पैकेज हो रहा होता है, 10 लाख से 12 लाख आपको एवरेज पैकेज मिल जा रहा था दोस्त यार। देखो दैट इज वेरी वेरी डिसेंट, अगर इतना लोएस्ट है ना तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई जगहों पे कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में यार ये हाईएस्ट जा रहा होता है, मतलब हाईएस्ट मतलब एक दो लोगों का वो छोड़ दो, मोस्टली लोगों का ये लग रहा होता है, यहाँ बहुत ही कम लोगों का ये लग रहा होता है, यहाँ पे ये रेंज हो रही होती है ज्यादातर लोगों की, 12 लाख 13 लाख तो लग ही जा रहा होता है लोगों का, समझ पा रहे हो। तो मैक्सिमम पीपल गेट अ प्लेसमेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल आर नॉट रिमेनिंग अनएम्प्लॉयड आफ्टर गेटिंग इनटू NLIU, दैट इज वेरी वेरी गुड थिंग। चलिए मार्क्स डिवीजन को देख लेते हैं। 100 मार्क्स का आपका पेपर हो रहा होता है जो कि आपको एक सेमेस्टर में पार कराएगा। यहाँ पे आप 50 नंबर का एंड सेमेस्टर दे रहे होते हैं, 30 नंबर का प्रोजेक्ट दे रहे होते हैं और 20 नंबर का मिड सेमेस्टर दे रहे होते हैं। मिड सेमेस्टर छोटा सा एग्जाम होता है, एंड सेमेस्टर बड़ा सा एग्जाम होता है। प्रोजेक्ट में आपको फर्दर डिवीजन हो जाता है, आपको 5 नंबर का वाइवा, 20 नंबर का असाइनमेंट और 5 नंबर का अटेंडेंस। बहुत दुख भाई, बहुत दुख, भारी दुख है अटेंडेंस का मुझे यहाँ पे भी NLIU के बच्चों के लिए, क्योंकि ये चीज नहीं होनी चाहिए। खैर यही कुछ चीजें हैं जो इनको सुधारने की जरूरत है। लाइब्रेरी मैंने कहा ना यार, ज्ञान मंदिर नाम देख रहे हो, ज्ञान मंदिर सोल है इंस्टीट्यूशन का यार, भयंकर एयर कंडीशन लाइब्रेरी हो रखी है। क्या चाहिए एक बच्चे को अगर आपको इतनी अच्छी जगह बहुत सारे समय के लिए मिल जाती है, ठीक है दोस्त। ये देख लीजिए, यहाँ पे जो मूडकोट एसोसिएशन है ना, वो 3 नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन कराती है, इनको मार्क कर लीजिए। देखिए NLIU जस्टिस आर के तनखा मेमोरियल इंटरनेशनल मूडकोट कॉम्पिटिशन, NLIU नेशनल कॉर्पोरेट लॉ मूडकोट कॉम्पिटिशन। भाई तुमको क्या चाहिए, कॉर्पोरेट लॉ में जाना है, इंटरनेशनल कुछ भी यार, एवरीथिंग इज अवेलेबल। देखो लोग स्टूडेंट जीत के भाई ले रहे हैं ट्रॉफी, गजब 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 गजब, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए NLIU क्यों जाना है सर, NLIU से जाना है, प्लेसमेंट हाई नंबर ऑफ प्लेसमेंट, डिसेंट प्लेसमेंट इज देयर, नाइस एनवायरमेंट, भोपाल जगह बहुत अच्छी है, भोपाल कॉलेज का एनवायरमेंट, इवन सिटी का एनवायरमेंट दोनों ही बहुत अच्छा है। ऑल्सो वेन यू टॉक अबाउट रीइंबर्समेंट इन मूड, देखो जब आप अच्छे मूड लड़ने जाते हो तो यू गेट हाई अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट इन NLIU भोपाल, सो दैट इज अ मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट टू गो फॉर डिफरेंट मूड्स एंड पार्टिसिपेट इन डिफरेंट मूड्स, बिकॉज बहुत सारे मूड्स में पैसे जो हैं वो लाख रुपए पर बच्चा, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पर बच्चा फी लग रहा होता है। तो उन चीज़ों को ध्यान रखता है NLIU भोपाल और अपने बच्चों को उन चीजों के लिए एनकरेज करता है, ठीक है। तो दीज आर द रीजन एंड व्हाई नॉट NLIU भोपाल यार, समझ रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा लोगों ने कहा पुराना है तो कुछ इम्प्रूव हो सकता है। वैसे नीट तब पूरी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक चीज लगी कि जो लोग थोड़ा सा जुडिशरी ओरिएंटेड है, जो लोग थोड़ा सा यूपीएससी ओरिएंटेड है, उनको थोड़ा सा शायद से लग सकता है कि उनको अपना एनवायरमेंट फॉर्म करने में
फिर दिक्कत आ रही है बिकॉज द कॉर्पोरेट कल्चर इज मोर प्रेवलेंट इन भोपाल है ना, दैट इज व्हाट आई केम टू नो फ्रॉम पीपल स्टडिंग देयर. सो कीपिंग दैट पॉइंट इन माइंड वो चीज भी जरूरी है वहां. बाकी ये जो पढ़ना चाहता है भोपाल में रहकर वो पढ़ सकता है, दैट इज फॉर श्योर. आप थोड़ा कम पार्टिसिपेट करिए. देखिए कॉर्पोरेट कल्चर ज्यादा है इससे मैं क्यों कह रहा हूँ, इतनी सारी जब एक्टिविटीज कंडक्ट हो रही हैं कॉलेज में तो हलचल तो रहती है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी फोकस स्टडी थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए और शायद आपको कम बच्चे मिले जो आपकी तरह इसमें लगे हों. तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए केवल उन लोगों के लिए, केवल उन लोगों के लिए जो अभी सोच के बैठे हैं कि मुझे जुडिशरी या यूपीएससी ही करना है, एक बार सोच सकते हैं कोई और कॉलेज के बारे में. अदरवाइज एनआईयू भोपाल अगर आपको मिल रहा है तो आंख बंद करके आप इसमें जा सकते हैं दोस्त. ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी ले लो भाई की, बहुत बढ़िया कॉलेज है यार. ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं यार. टेक केयर सब लोग, ध्यान रखना. और यही कहूंगा यार, प्लीज 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 वीडियो को फैला दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और यार प्लीज मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो, है ना. तुम ही लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो तुम लोग जरा साथ दे दोगे ना यार, मजा आ जाएगा. चलो विद दैट नोट, bye bye, take care, see you.